गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो आपकी स्टडी है उसको आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, अपन मास्टर 1-to-1 बैच के नाम से चला रखे हैं, सभी को पता होना चाहिए 1 अप्रैल से, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें, अपना जो क्लासेज किसके लगा रहे थे, कौन सा अपना टॉपिक था, वो था अपना एंटोमोलॉजी की कोई सब्जेक्ट थी, उसको अपन लेकर चल रहे थे, ठीक है। उसके अंदर अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट बोले तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का अपना सेकंड टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि अपन बात करें, अपन पिछली क्लास में जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर अपन जो एंटोमोलॉजी की परिभाषाएँ देख लिए थे, उसकी शाखाएँ देख लिए थे, कुछ डेफिनेशन उसमें कुछ महत्व देख लेते क्या क्या है, मतलब हिस्ट्री उसके अंदर पूछा था कि भारत में कीट विज्ञान का भारत के अंदर क्या इतिहास है। अपन देखते हैं कि जो भारत है उसमें कीट विज्ञान का क्या इतिहास था, उसकी ब्रांचेस देख लेते, उसकी परिभाषाएँ देख लेते, उसका इंपॉर्टेंस देख लेते। काफ़ी हद तक अपन ने चर्चा कर ली थी, कुछ सन वगैरह कब घोषित किया गया था, स्थापना कब की गई थी, अपने कीट संग्रहालय की स्थापना, काफ़ी हद तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब मैं आपको कल एक छोटी सी बेसिक आपको जानकारी नहीं बताया था, वो आज बता देता हूँ आपको मैं। अब जो एंटोमोलॉजी है उसका कोड होता है वो है ENTO 1-to-1, ठीक है, ये कोड हो गया इसका। अब इसका जो क्रेडिट अगर मानकर चलिए तो 2+1 का है, बोले तो 3 क्रेडिट की है, मतलब आप जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुणा हो जाएंगे। जैसे 20 नंबर ला रहे हो आप तो इसके 3 गुणा कितने हैं, 60 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे पिछली कुछ अपन ने जो क्लास ली थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एंटोमोलॉजी की पहले तो परिभाषा देखते हैं अपन। एंटोमोलॉजी की परिभाषा है कीट विज्ञान, बोले तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। जैसे इसकी कई शाखाएँ हैं, जैसे अपन इसके सिर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कीटों के मतलब जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, शरीर की, ठीक है, उसके अंदर। ये कीटों को 3 भागों में बांटा गया है, सिर हो गया, उधर हो गया, वक्ष हो गया, ठीक है, सिर वक्ष उधर हो गया, ठीक है। अब जैसे बात करिए अपन, जो आपका एंटोमोलॉजी है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमोन प्लस लोगस। एंटोमोन का मतलब होता है कि इंसेक्ट, बोले तो कीट, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। ये अपनी बेसिक सी बात हो गई। शाखाएं इसकी है 3-4 शाखा है, मॉर्फोलॉजी है, इकोलॉजी है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी है, ऐसे कुछ इसकी शाखाएं थी। अब जैसे अपन सेकेंड आपके जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो है आपका मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम, बोले तो एनिमल किंगडम, बोले तो जंतु जगत जो वर्गीकरण है उससे संबंधित कुछ बिंदु है वो देखेंगे अपन। बोले तो जो एनिमल किंगडम होता है, जंतु जगत वर्गीकरण से संबंधित कुछ या फिर मुख्य बिंदु या संबंधित बिंदु देखेंगे। किससे संबंधित, जंतु जगत वर्गीकरण से संबंधित अपन बिंदु देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दे, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनके पास दबा के शेयर कर दे। और दूसरी बात, आपके कॉलेज जो ग्रुप है उसमें टिका दे एक बार क्लास को, अपनी क्लास को शेयर कर दे, ठीक है। अब लिखो आप, जंतु जगत में 85% से अधिक, ये आपका एनिमल किंगडम, बोले तो जंतु वर्गीकरण से संबंधित कुछ बिंदु देख रहे अपन। लिखो, जंतु जगत में 85% से अधिक कीट समुदाय में आते हैं, कीट समूह आता है। लिखे, जंतु जगत में 85% से अबाउ या अधिक प्रजातियां कीट समूह में आती है। मैं आपको बता देता हूं, लिख देता हूं इधर, जंतु जगत में 85% से अधिक प्रजातियां कीट समूह में आती है। किसमें आती है, कीट समूह में आती है, ठीक है।
अब आपको मैं पूरा ना लिखाकर अपन जो मेन मेन टॉपिक है वो लिखाएंगे आपको, और वादा करता हूँ अपना जो 6 महीने का सफ़र था बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है सभी दोस्तों ने, सभी स्टूडेंटों ने, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने। तो मानकर चलते अपन जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया अपन ने मास्टर 1-2-1 के नाम से, उसको भी इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपकी जो कामयाबी है, जो आपका रिजल्ट है वो शोर मचा दे, ठीक है। अब जैसे क्या है आपका, जंतु जगत में 85% से अधिक प्रजातियां कीट समूह में आती है। अगर बात करें अपन लगभग कितनी, लगभग 9 लाख से अधिक प्रजातियां अभी मौजूद है कीट से। अब तक वर्णित कीटों की संख्या कितनी है, अब तक वर्णित कीटों की संख्या 9 लाख से अधिक है, 9 लाख से। आपको जो पूछा जाएगा वही आपको मैं कराऊंगा, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जो पुटअप होते हैं क्वेश्चन वही से आपको मैं बताऊंगा। ये आपकी 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो आप कि अपन अगर देखें कीटों के अंदर अगर अधिक संख्या पाई जाती है तो वो टीडी दल में पाई जाती है, कीटों की संख्या अधिक। उदाहरण के अपन तौर पर लिखे, उदाहरण लिखो आप टिड्डी दल, कौन सा टिड्डी दल आ जाएगा, ठीक है। ये बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन इनमें आपको मैं बताया था कि जो आपका एनिमल किंगडम है, ठीक है, बोले तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित अपन जो कुछ बिंदु देखेंगे, तो अपने बिंदु कम से कम लगभग मानकर चले तो 9-10 बिंदु है। तो देखते हैं प्रभुत्व के कारण, जैसे रिजिनेंस फॉर डोमिनेंस, ठीक है। तो प्रभुत्व के कारण देखते हैं, मतलब बोले तो सीधी भाषा में अगर बोल दे तो एनिमल किंगडम जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उसके बिंदु देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले तो बिंदु बता देता हूँ कौन कौन से बिंदु हैं, 9-10 बिंदु हैं। पहला बिंदु आपका रहेगा कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, बोले तो उड़ने की क्षमता। उसके बाद में है आपका कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। उसके बाद में आपका है अनुकूल योग्यता, बोले तो सार्वभौमिकता भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में है आकार, 3 कंप्लीट हो गए। इसके बाद में चौथा आपका है, चौथा कौन सा रह गया आपका, पहला हो गया आपका कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, दूसरा हो गया आपका अनुकूल योग्यता, तीसरा हो गया आपका आकार, चौथा हो गया आपका एक जो स्केलेटन, ठीक है। कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए ना, पांचवा अपना था, 4 कंप्लीट हो गए ना, 4 कंप्लीट हो गया, हाँ। इसके बाद में शुष्ककरण का विरोध हो गया, या फिर प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, प्रतिरोध ही बोल सकते हैं ज़्यादातर। अगर अपन देखें कि जो शुष्ककरण का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन शुष्ककरण का प्रतिरोध, मतलब 5 हो गए अपने। छठा है श्वसन तंत्रिका तंत्र, कौन सा है छठा, श्वसन तंत्रिका तंत्र हो गया आपका। उसके बाद में है प्रजनन क्षमता हो गया। उसके बाद में आपका पूर्ण कायांतरण, क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्ण कायांतरण भी बोल सकते हैं। इसके बाद में कितने हो गए अपने, 8 हो गए। नवा है तंत्रिका, सॉरी श्वसन तंत्रिका तंत्र तो हो गया। उसके बाद में आपका जो नवा बचता है ना, नवा हो गया रक्षा तंत्र, और 10वां हो गया आपका षटपाद गति, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दूसरा आपका है अनुकूल योग्यताएं या सार्वभौमिकताएं, तीसरा आपका हो गया आकार, चौथा आपका हो गया कौन सा, एक जो स्केलेटन, पांचवा आपका हो गया शुष्ककरण प्रतिरोध, छठा हो गया आपका श्वसन तंत्रिका तंत्र, इसके बाद में आपका हो गया प्रजनन क्षमता, कितने हो गए प्रजनन क्षमता तक हो गए। उसके बाद में आपका पूर्ण कायांतरण हो गया 8वां, नवा आपका हो गया रक्षा तंत्र, 10वां आपका हो गया षटपाद गति। अब एक एक अपन चर्चा करते हैं। पहला आपका रहेगा कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, बोले तो कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट उड़ने की क्षमता। इसके अंदर लिखो आप कीटों में पंख पाए जाते हैं, लिखो इंसेक्ट में पंख पाए जाते हैं, कीटों में पंख पाए जाते हैं, साथ साथ आप उतारते जाना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। कीटों में पंख पाए जाते हैं जो एक्लोस्केलेरॉन
के पार्श्व विस्तार है, जो एक्लोस्केलेरॉन के पार्श्व विस्तार है, कीट सबसे प्रारंभिक जानवर माना जाता है या प्रारंभिक जानवर है। कीट सबसे प्रारंभिक जानवर है। पहले तो लिखो आप कीट। कीट में पंख पाए जाते हैं। कीट प्रारंभिक जानवर है। कीट प्रारंभिक जानवर है। उसके बाद में लिखो आप और एकमात्र उड़ने वाला, और एकमात्र उड़ने वाला अकशेरुकी है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में इसके कुछ उद्देश्य लिख लो आप। उद्देश्य के अंदर लिखो आप, उद्देश्य के अंदर लिखो आप भोजन। दूसरा लिखो आप सस्ती। इसके बाद में आप लिख सकते हो उद्देश्य के अंदर, ठीक है, उड़ान भरना। इसके बाद में लिखो आप, ये तीन तो लिखो आप। आश्रय मिलन हो गया, अंडे देने की स्थान का तलाश करना, अंडे देने के स्थान के तलाश करना। इसके बाद में है माइग्रेट, माइग्रेट ही है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी छोटी छोटी चीज़ों को। माइग्रेट करने के लिए लंबी दूरी तय करना, माइग्रेट करने के लिए लंबी दूरी तय करना, ये हो गया। अब जो कैपेसिटी ऑफ है, कीटों के अंदर पंख पाए जाते हैं, कीटों के अंदर पंख पाए जाते हैं, और एक ऐसा, ये एक ऐसा कीट होता है जो अकशेरुकी है। कैसा है? उड़ने वाला अकशेरुकी है, और प्रारंभिक जानवर, कीट प्रारंभिक जानवर है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखे, भोजन हो गया, आश्रय हो गया मिलन हो गया, और देखे अंडे देने के स्थान का अपन तलाश करते हैं ये। इसके बाद में है माइग्रेट करने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा आप ये पहले एक बार उतार लो, दूसरा उस साइड करवा देता हूँ, या तो मैं लिखो आप दूसरा। अनुकूल योग्यता या सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता लिखो, अनुकूल योग्यता, या इसको अपन सार्वभौमिकता भी बोल सकते हैं। ये जलवायु, ये जलवायु परिस्थितियों की क्या है, ये जलवायु परिस्थितियों की विस्तृत श्रृंखला में पाया जाता है, ये जलवायु परिस्थितियों की विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अनुकूल तापमान देखे तो पचास से चालीस डिग्री पाए जाते हैं। दो कंप्लीट हो गए अपने बिंदु। कौन सा हो गया? कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट हो गया, अनुकूल योग्यता या सार्वभौमिकता कंप्लीट हो गया। इसके बाद में तीसरा अपन आकार देखेंगे, जल्दी से उतारो। मैं मिटा देता हूँ इसको, आप ऐसे मत मानना कि सर के पास ये कपड़े से यूज करता है, वो करता है, डस्टर वगैरह नहीं है, क्योंकि अपन मानकर चले ना कि काफ़ी जो डस्टर वगैरह होते हैं वो कई बोर्ड ऐसे सिल्की वगैरह होते हैं, कई खुरदरे होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, जैसे अपन वो डस्टर यूज करते हैं तो उससे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो आपको साफ नहीं दिखाई देता। इस वजह से मैं कपड़ा यूज करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कपड़ा ठीक रहता है, अच्छे से साफ भी हो जाता है।
ठीक है। तीसरा कौन सा आपका है, आकार, लिखो आकार के अंदर। यह है अधिकांशतः यह कीट छोटे होते हैं, अधिकांशतः यह कीट छोटे होते हैं, अधिकांशतः यह कीट छोटे होते हैं। दूसरा बिंदु इसी के अंदर लिखो, अधिकांशतः कीट छोटे होते हैं, शारीरिक और पारिस्थितिकी लाभ प्राप्त होता है इनसे, शारीरिक पारिस्थितिकी लाभ मिलता है, शारीरिक और पारिस्थितिकी लाभ मिलता है। कीटों में अधिक ऊर्जा उपयोग होती है, अधिक ऊर्जा उपयोग होती है। इसके बाद में है आपकी अधिक ऊर्जा उपयोग होती है, आपको मैं शॉर्ट में इसलिए लिखा रहा हूँ, पूरा बोल रहा हूँ शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल बोल के लिखा रहा हूँ और शॉर्ट में लिख रहा हूँ और बोल पूरा रहा हूँ। अधिक ऊर्जा उपयोग होती है, कम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, कम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। ठीक है, अब जैसे लिख पूरा हूँ, मतलब अपन जो लिख रहा हूँ आपके, वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, वो पूरा बोल रहा हूँ आपके। जैसे आकार के अंदर अधिकांशतः जो कीट होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, ये बात अपनी हो गई। इसके बाद में कीटों में शारीरिक और पारिस्थितिकी लाभ प्राप्त होता है, मतलब छोटे होते हैं तो शारीरिक और पारिस्थितिकी अंदर दोनों के अंदर अपने को लाभ प्राप्त होता है। अधिक ऊर्जा उपयोग, कीटों के अंदर अधिक ऊर्जा उपयोग होती है। इसके बाद में कम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप देखो, एक जो स्केलेटन चौथा है, थोड़ा जल्दी करवाते हैं, एक जो स्केलेटन का होता है, कीटों की बाह्य झिल्ली को कहते हैं, कीटों की बाहरी झिल्ली होती है, क्या होती है, कीटों की बाहरी झिल्ली होती है, एक जे स्केलेटन, कीटों की बाहरी झिल्ली होती है जो किसकी बनी होती है, आपके काइटिन की, जो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। चार हो गए आपके, अब इसके बाद में शुष्ककरण प्रतिरोध भी देखते हैं अपन, दोनों को उतार लो। एक जे स्केलेटन में क्या है, कीटों की बाहरी झिल्ली होती है, ये क्या होती है, एक जे स्केलेटन कीटों की बाहरी झिल्ली होती है जो काइटिन की बनी होती है, कौन सी प्रोटीन की, काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। अब शुष्ककरण का अपन प्रतिरोध देखते हैं, भाई साथ साथ उतारते रहना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, काफी नो सब्जेक्ट है और टॉपिक भी लंबे लंबे पड़े हैं। चौथा है आपका, सॉरी पांचवा है ना, पांचवा, शुष्करण कीटों की बाहरी सतह से पानी के नुकसान, पानी के नुकसान को कम कर देता है, लिखो इसमें, पानी का संरक्षण, एक बिंदु और लिख लो इसमें, पानी की
हानि को कम कम करता है। आपको शुष्क्रम प्रतिरोध पूछ ले तो ये लिखना है, कीटों की बारिश सतह से पानी के नुकसान को कम कर देता है, पानी संरक्षण पानी की हानि को कम कर देता है। ठीक है, ये उतारो आप जल्दी से। उसके बाद में अपन श्वसन तंत्रिका तंत्र देखते, इसी के अंदर देख लेते अपन। छठा है ठीक है, कौन सा है? श्वसन तंत्रिका तंत्र, कौन सा हो गया आपका? ये है कीटों के बंध तंत्र के माध्यम से, बंध तंत्र के माध्यम से, बंध तंत्र के माध्यम से घुमाव हवा को स्वीकार करते हैं, घुमाव हवा को स्वीकार करते हैं और पानी के नुकसान को कम कर देते हैं, और पानी के नुकसान को। अब जो आपका ये है श्वसन तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है? कीटों के बंध तंत्र के माध्यम से, मतलब जो कीटों का जो बंध तंत्र जो माध्यम होता है उसके माध्यम से घुमाव जो हवा होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और क्या करते हैं? पानी के नुकसान को कम कर देते हैं। ठीक है, ये उतार लो एक बार, शुष्ककरण का प्रतिरोध और श्वसन तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में प्रजनन क्षमता देखते हैं अपन, प्रजनन क्षमता काफ़ी बड़ा है। कौन सा हो गया आपका? सातवां। लिखो कीट प्रजनन क्षमता अधिक, मैं बोल बोल के लिखा देता हूँ, प्रजनन क्षमता में लिखो कीट प्रजनन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? कीट प्रजनन क्षमता अधिक होती है और अंडे देने की क्षमता उच्च होती है, उच्च। पूरा लिख देता हूँ, अंडे देने की क्षमता क्या होती है? अंडे देने की क्षमता उच्च होती है। कीट प्रजनन क्षमता अधिक होती है, अंडे देने की क्षमता उच्च होती है। दीमक, लिखो आगे, दीमक 6000 से 7000 अंडे प्रतिदिन लगभग 15 साल तक देता है। क्या करता है? लगभग 15 साल तक अंडे देता है, और वो भी कितने देता है? प्रतिदिन 6000 से 7000 अंडे देता है। कौन देता है? दीमक। इसमें क्या होती है? विकास की अवधि क्या होती है इसमें? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें, मक्का का एफिल 16 निम्फ, एक एफिड उत्पन्न करता है। क्या करता है? मक्का का एफिन 16 निम्फ क्या करता है? एक एफिड उत्पन्न करता है। अब एक आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, WASP क्या होता है? वाइट एलोंग है ना, वाइट एंगल सेक्शन प्रोटेक्टेंट
प्रोटेंट, आपको पूछ सकता है WASP क्या होता है, वाइट एंगल सेक्शन प्रोटेटेंट, ये होता है, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। उसके बाद में बहुभुजता देखते हैं, इसको एक बार उतार लो आप, बहुभुजता क्या होती है, एक से अधिक मतलब अंडे अधिक उत्पन्न होते हैं इसमें, बहुभुजता का मतलब ये होता ना। वो हो गया, एकल अंडे से कई कीटों का निर्माण होता है, इसी में लिखो बहुभुजता, पॉइंट है। एकल ये है ना, एकल अंडे से, एकल अंडे से कई कीटों का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, तो इसमें आता है परजीवी, क्या आता है आपका परजीवी। अब एक पॉइंट और लिखो, एनिसेक जनन है ना, एनिसेक जनन, एनिसेक, एनिसेक जनन तो सभी को पता होना चाहिए। एनिसेक जनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन के प्रजनन, बिना निषेचन के प्रजनन, मतलब बिना बिना क्रॉस कराए हुए प्रजनन होता है। मतलब बोले आपको पूछे कि बिना निषेचन के प्रजनन क्या कहलाता है, तो आपको एनिसेक जनन बताना है। इसके बाद में है आपका पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, अपरिपक्व है, अपरिपक्व है, अपरिपक्व चरणों से प्रजनन क्या कहलाता है आपका, अपरिपक्व प्रजनन, अपरिपक्व है चरणों से प्रजनन क्या कहलाता है आपका, पेडोजेनेसिस। अगर इसके अंदर एग्जांपल देखें अपन, तो मधुमक्खी आ जाती है, क्या आ जाती है आपकी, मधुमक्खियाँ आ जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपके जो प्रजनन क्षमता थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन देखते हैं पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण भी चार प्रकार का होता है, आपका अंडा हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा और हो गया और वयस्क हो गया, इनकी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे अपन। लिखो कौन सा रह गया अपना, कौन सा आ गया, ये आठवां आ गया ना, पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण क्या होता है, मतलब जितने कीट होते हैं, ठीक है, कुल कीटों में से 82% पूर्ण कायांतरण होते हैं। लिखो आप यहाँ पर, कुल कीटों में से 82% पूर्ण कायांतरण होते हैं, क्या होते हैं, कुल कीटों में से 82% या फिर 82% है पूर्ण कायांतरण होते हैं। इसमें पहला आपका है अंडा हो गया, दूसरा आपकी लार्वा हो गई, तीसरा आपका प्यूपा हो गया, चौथा आपका वयस्क हो गया। ठीक है, अब अंडा क्या होता है, ये निष्क्रिय, निष्क्रिय होता है, अगतिशील, अगतिशील और अंदर भ्रूण होता है, क्या होता है, अंदर भ्रूण होता है, आपका अंडा निष्क्रिय होता है, गतिशील होता है, अंदर भ्रूण विकसित होता है। लार्वा में क्या होता है, लार्वा के अंदर पाचन क्रिया में सहायक, पाचन क्रिया में सहायक और ये सक्रिय होते हैं, सक्रिय भोजन का पाचन। प्यूपा में क्या होता है,
प्यूपा में ये निष्क्रिय होते हैं ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब जो आपका वयस्क आता है वो लास्ट बता है चौथा, सक्रिय प्रदान करता है और पीडी बढ़ाता है, सक्रिय सक्रिय प्रदान करता है और पीडी बढ़ाता है, क्या करता है, पीडी बढ़ाता है। अब जो भाई आठवा अपना था वो पूर्ण कायांतरण था। पूर्ण कायांतरण क्या होता है, कुल कीटों में से आपका 82% पूर्ण कायांतरण होता है। पूर्ण कायांतरण के अंदर भी आपके चार है, कौन कौन से, अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है और वयस्क है। अब अंडा के अंदर तो क्या आ जाता है, ये एक तो निष्क्रिय होता है, अगतिशील होता है और अंदर भ्रूण विकसित होता है। अब जो लार्वा है आपका जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, ये सक्रिय होता है और भोजन का पाचन करता है। अब जैसे प्यूपा के अंदर आ गया, ये निष्क्रिय होता है, सभी को पता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का क्या करता है, विरोध करता है। अब जो वयस्क है ये सक्रिय प्रदानता करता है, ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या करता है, पीडी को बढ़ावा देता है या पीडी को बढ़ाता है। एक बार फटाक से उतार लो इसको, उसके बाद में अपना दो बचा है, रक्षा तंत्र और षटपाद गति। रक्षा तंत्र भी तीन चार प्रकार के होते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। नवा है रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र में क्या होता है, जो कीट होते हैं अपने जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए, जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जीवित रहने की दर को, कीट जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए कीट निम्नलिखित यह आ गया ना, जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए रक्षक अंगों का उपयोग करते हैं। रक्षक अंगों बोले तो ऑर्गन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। पहला आपका आ गया व्यवहार में क्या होता है, यह मर्त होने का दिखावा करते हैं। क्या करते हैं, मर्त होने का दिखावा करते हैं। जैसे व्यवहार में मर्त होने का दिखावा कैसे, जैसे आपको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा और घर वाले बोलते हैं पढ़ लो बेटा, नहीं मेरे तो सिर दुख रहा है, मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। व्यवहार वो मतलब आप अच्छे होते हुए भी, आप स्वस्थ होते हुए भी पढ़ाई के प्रति डर बैठा हुआ आपके, ठीक है। इसलिए ये क्या है, रक्षा तंत्र में व्यवहार मतलब मर्त होने का दिखावा करते हैं। आप भी रोगी होने का दिखावा करते हो, आप एक वो बोलते हैं ना कि मर्त होने का दिखावा, जैसे इसी की तरह आप करते हो, तो आपको मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। यही है, मर्त होने का दिखावा करते हैं, क्या करते हैं, मर्त होने का दिखावा करते हैं। इसके अंदर आप कुछ एग्जाम्पल लिखो, विट्ठल। अब दूसरा कौन सा आपका है, दूसरा संरचनात्मक। तीसरा हो गया आपका रंगीन। चौथा हो गया आपका रासायनिक। चौथा आपका हो गया रासायनिक। अब जो आपका संरचनात्मक है उसमें लिखो आप, बीटल के अगले पंख कठोर होते हैं, जिसे एलेट्रा भी कहते हैं। इसमें लिखना आपको, बिट्टल के अगले पंख कठोर होते हैं, जिसे अपन एलेट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
एलेट्रा भी कहते हैं। बिट्टल के अगले पंख कठोर होते हैं जिसे अपन एलेट्रा भी कहते हैं। ये पक्षियों से बिट्टल की सुरक्षा करता है, ये पक्षियों से बिट्टल की सुरक्षा करता है। अब रंगीन के अंदर लिखो, आप इसमें लिखो रंगीन, रंगीन में लिखना है आपको सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक रंगों की उपस्थिति, सुरक्षात्मक रंगों की उपस्थिति प्लस एंटी। इसमें एग्जांपल देखिए अपन, स्टिक इंसेक्ट, इंसेक्ट्स ये हो गया। रासायनिक में रक्षात्मक, रासायनिक का उपयोग या उपस्थिति प्लस एंटी। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप, मधुमक्खियों के द्वारा स्त्रावित जहर, मधुमक्खियों द्वारा उत्सर्जित जहर, मधु मक्खियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा उत्सर्जित जहर। ठीक है, अपना लास्ट पॉइंट रहा है, आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो रक्षा तंत्र था जीवित रहने की दर को बढ़ाने के लिए कीट निम्नलिखित क्या करते हैं, रक्षक अंगों का उपस्थित रक्षक अंगों का उपयोग करते हैं। अब रक्षक अंग चार होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो हो गया व्यवहार, हो गया संरचनात्मक, हो गया रंगीन, हो गया और रासायनिक हो गया। व्यवहार के अंदर तो क्या होता है, मर्त रहने का क्या करते हैं, दिखाव करते हैं अपने 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 आप पर कि अपन मर गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, मतलब डोरमेंसी स्टेज में चल जाते हैं। उसके बाद में संरचनात्मक में क्या होता है, संरचनात्मक में एलेट्रा के नाम से भी जाना जाता है, सुरक्षात्मक रंगों की उपस्थिति होती है, प्लस एंटी में आ जाते हैं, स्टेक इंसेक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद में रासायनिक रक्षात्मक का मधुमक्खियों द्वारा स्त्रावित करते हैं। एक बार गेट बंद हो गया है, मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, हवा चल रही है आज। ठीक है, हाँ भाई चलते हैं। अब लास्ट का अपना टॉपिक बचा है दसवां, जो है दसवां कौन सा है आपका, षटपाद गति। कौन सा है, षटपाद गति। षटपाद गति में क्या होता है, षटपाद गति में लिखो आप, गति के दौरान, गति के दौरान एक समय में, गति के दौरान एक समय में कीट तीन पैरों की उपस्थिति में चलता है। गति के दौरान एक समय में कीट तीन पैरों का उपयोग करते हैं और तीन पैरों को स्थिर रखते हैं। गति के दौरान एक समय में कीट तीन पैरों की उपस्थिति में चलते हैं, ठीक है, और तीन पैरों को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, क्योंकि अपने जो स्थिर इसलिए रखते हैं जो अधिक स्थिरता प्रदान कर सके। मतलब अगर तीन पैरों का उपयोग तो चलने में कर रहा है, ठीक है, और तीन पैरों को क्या करता है, स्थिर रखता है, तो जो आपके चलने की जो स्थिरता है उसको, चलने को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, आज का जो सेकंड टॉपिक था अपना मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट ऑफ एनिमल किंगडम, बोले तो जंतु जगत वर्गीकरण से संबंधित जो बिंदु थे उनको आपको मैं बता दिया हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी है, ये बिंदु आपको अच्छे लगे हैं इंसेक्ट से संबंधित, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन इस सेशन के अंदर जुड़े हैं नए, वो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप जो स्टडी कर रहे हो, रेगुलर कंटिन्यू क्लासे ले रहे हो, ऐसे लेते रहो और अच्छी तैयारी करते रहना। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट का है भाई, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। दूसरी बात, ये एक फोबिया बना रहता है भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, ये ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके प्रीबीजी के अंदर काम आएगी, तो इनका समय ना खराब करके आप क्लासों को कंटिन्यू रखना। अपना जो सेकंड सेमेस्टर है मास्टर 1-to-1 के नाम से जो बेच चला रखा है वो बहुत आपके लिए कारगर रहेगा, इसलिए आप क्लासों को मिस ना करें। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखते हो तो मेरा भी एक अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने का मन करता है, मैं भी एक ऐसे मोटिव हो जाता हूँ कि अपने से जो दिया जा रहा है बच्चों को ज्ञान, छोटे भाई बहनों को, वो कुछ तो काम आ रहा है,
इसलिए मेरे को भी एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि अपनी जो प्यारे छोटे भाई बहन हैं वो क्लासेज ले रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये क्लासे, ठीक है। तब तो मेरा भी आगे आप पर अच्छे देने का, कंटेंट देने का मन करता है। तो सभी को धन्यवाद, लव यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।